विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो के विश्व धरोहर में सम्मिलित इन मंदिरों की 26 एकड़ में फैले विशाल भूभाग स्थित गार्डन को साफ सुथरा एवं हरा भरा बनाए रखने में लगभग 25 कर्मचारी अपनी मेहनत करके इसको सुंदर बनाए हुए हैं, जिसके चलते न सिर्फ आने वाले पर्यटक बल्कि 26 तारीख को खजुराहो भ्रमण पर आए देश के पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मौखिक और लिखित तौर पर प्रशंसा की, जो निश्चित रूप से सराहनीय है एवं इन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहित करने वाली बात है, जो अपनी भरपूर मेहनत के साथ इस सुंदर बगीचे को हरा भरा बनाए रखने में सहायक है, जिसके चलते आने वाला पर्यटक हरियाली देख और सुंदर बगीचे को देख करके प्रसन्नचित्त हो जाता है। नंदराम रेखवाल, यहाँ क्या करते हैं आप, काम करते हैं? यहाँ इसका रख रखाव का काम करते हैं हम लोग। तो कैसा लगता है यहाँ पे, जो किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? हम लोग 26 लोग हैं, बड़ी मेहनत से अपनी ईमानदारी से दिन भर इसमें लगे रहते हैं, जिससे ताकि गार्डन हरा भरा रहे। तो पर्यटक भी पसंद करते हैं? हाँ, पर्यटक भी पसंद करते हैं। कल माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी मौखिक भी इसके प्रशंसा की है और लिखित में भी। तो उन्होंने काफी अच्छा कहा कि अच्छा गार्डन है, पर्यटक भी अच्छा कहते हैं, सभी पर्यटक भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं, सारे दिन लगे रहते पर्यटक बड़े कहते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर सरमन सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं एम्स भोपाल का डायरेक्टर हूँ। तो ये खजुराहो के जो आपने मंदिर देखे अभी, आपने कैसे लगे? बहुत सुंदर हैं और हमारी पुरानी संस्कृति को दिखाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। मेरा सबसे जो लोग काम कर रहे हैं, सफाई वर्कर्स जो देख रहा हूँ मैं, चारों तरफ बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, ग्रीन हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छा है, सफाई बहुत अच्छी है। और यहाँ का जो बगीचा है आप अच्छा लगा, हरा भरा लगा? बगीचा वही हॉर्टिकल्चर की, हॉर्टिकल्चर सर। जी जी, बगीचा बहुत अच्छा है, घास बहुत अच्छी मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा है। तो आपको अच्छा लगा खजुराहो? बहुत अच्छा लगा।